नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सुमस बायोलॉजी की और एक वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएसआईआर नेट के बारे में। इस सीरीज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएसआईआर नेट एग्जाम के बारे में। सीएसआईआर नेट क्या है, एग्जाम कब होता है, क्यों होता है, कौन कौन ये एग्जाम अटेंड कर सकते हैं और इस एग्जाम के लिए कैसे तैयारी करना है, सारे क्वेश्चन के जवाब आपको इस सीरीज में मिलेंगे। तो एक एक वीडियो को ध्यान से देखना। पहली वीडियो ये, और इसमें हम बात करेंगे सीएसआईआर नेट क्या है। सीएसआईआर नेट एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है इंडिया में, और ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन कहलाते हैं पीएचडी की जो फेलोशिप होता है, जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप और लेक्चरशिप, इस दोनों प्रकार के जो जॉब ओपनिंग्स होते हैं इंडिया में पर्टिकुलरली, उसके लिए एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन। अब ये सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन के साथ लोग कंफ्यूज करते हैं यूजीसी नेट को। यूजीसी नेट अलग एग्जामिनेशन है, सीएसआईआर यूजीसी नेट अलग एग्जामिनेशन है। तो एक चीज आपको यहाँ पर समझा दे कि ये पर्टिकुलरली जो एग्जामिनेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये है सीएसआईआर यूजीसी नेट, या फिर सिर्फ आप इसको सीएसआईआर नेट बोल के पुकारो। अब ये सीएसआईआर नेट देने के बाद आप क्या कर सकते हो, देखो इस एग्जाम पे अगर आप क्वालिफाई कर जाओ, उसके बाद आप तो दो ऑप्शन आपको मिलेंगे। एक तो आप लेक्चरशिप के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। लेक्चरशिप मतलब आप अगर लेक्चरशिप की कट ऑफ को क्वालिफाई करते हो एग्जाम देकर, जो कि जनरली 100-200 में से 100 मार्क्स के करीब कट ऑफ रहता है, वो क्वालिफाई करने के बाद आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर के तौर पे कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में ज्वाइन कर सकते हो। मगर ऑब्वियसली वहाँ पे आपको कॉलेजेस में अप्लाई करना पड़ेगा जब भी फॉर्म निकलेगा। सेकेंड थिंग JRF, अगर आप JRF की कट ऑफ को क्वालिफाई करते हो, JRF की कट ऑफ नॉर्मली 120 पकड़ के चलो आप 200 में से, अगर ये मार्क्स आपको मिलता है, आप JRF क्वालिफाई करते हो, तो आप जूनियर रिसर्च फेलो के तौर पे PhD स्टार्ट कर सकते हो। और यहाँ पे 5 साल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड करेगा, और जो अमाउंट आपको दिया जाएगा 32,000 से 34,000 रुपये पहले 2 साल, उसके बाद 36,000 रुपये पर मंथ, उसके बाद 3 साल, तो टोटल 5 साल के लिए दिया जाता है। तो ये होता है CSIR नेट एग्जामिनेशन। और एक चीज आपको बता दें कि CSIR नेट और UGC नेट में फर्क क्या है। UGC नेट एग्जामिनेशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जामिनेशन, CSIR नेट भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कंडक्ट किया गया एग्जामिनेशन। हालांकि दोनों ही एग्जामिनेशन अब प्राइवेट एजेंसी जो है NTA वो कंडक्ट करते हैं, क्योंकि ये CBT मोड पे एग्जाम होता है, मगर फंडिंग एजेंसी अलग होता है। UGC नेट जो होता है वहां पे फंडिंग एजेंसी कौन है, UGC, राइट। और CSIR नेट में फंडिंग एजेंसी है CSIR या फिर UGC, किसी में से एक। मतलब कुछ कुछ स्टूडेंट्स CSIR JRF क्वालिफाई करते हैं, तो उनको स्टाइपेंड CSIR प्रोवाइड करता है, जो कि गवर्नमेंट बॉडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी इन इंडिया, जो कि रिसर्च में फंडिंग देते हैं। और UGC JRF को अगर कोई क्वालिफाई करता है तो UGC उनको स्टाइपेंड प्रोवाइड करेगा। स्टाइपेंड का वैल्यू और अमाउंट सेम रहता है, वो UGC से हो या फिर CSIR से हो, इन केस ऑफ CSIR UGC नेट। और UGC नेट कंप्लीटली अलग होता है, तो दो नेट, UGC नेट टोटली अलग, CSIR UGC नेट को जॉइंट नेट भी बोलते हैं, टोटली अलग। और UGC नेट जो है ये मोस्टली आर्ट्स और कॉमर्स सब्जेक्ट्स को टारगेट करके किया गया है, उसको ऑर्गेनाइज करके किया जाता है, और अर्थ साइंस, साइंस में से अर्थ साइंस UGC नेट में अवेलेबल है। वहीं पे CSIR UGC नेट जो होता है वो साइंस सब्जेक्ट्स में कवर करता है, जैसे कि लाइफ साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, तो ये सारे साइंस सब्जेक्ट के लिए ये है, और ये आर्ट्स कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए ज्यादातर केसेस में यूज किया जाता है, ठीक है। तो UGC नेट में भी वही बात होता है, आप PhD कर सकते हो, यहाँ पे CSIR नेट में भी कर सकते हो। अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग तरीके से वो अरेंज किया गया है। ये होता है CSIR नेट एग्जामिनेशन। अब ये CSIR नेट एग्जामिनेशन के बारे में कुछ और जानकारी आपको जानना है तो आपको बता दे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ये 200 मार्क्स का एग्जामिनेशन है, और मैंने आपको बताया कि LS के लिए तकरीबन 100 चाहिए और JRF के लिए तकरीबन 120 चाहिए, राइट, फॉर सेफ साइड आपको पाने के लिए। और ये एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, जनरली जून महीने में और दिसंबर महीने में। कोविड के बाद से इसका जो रेगुलरिटी था उसमें कुछ प्रॉब्लम है, अभी इस साल से होपफुली जून और दिसंबर में एग्जाम कंडक्ट किया हो। और इसमें 3 डिफरेंट सेक्शंस होते हैं एग्जाम के, पार्ट ए होते हैं,
पेपर वन, उसके बाद आता है पार्ट बी का और देन पार्ट सी, राइट। और पार्ट ए में जो जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग वाला पोर्शन आता है, पार्ट बी में शॉर्ट वन लाइनर आंसर टाइप एमसीक्यू ही होता है, मगर बहुत शॉर्ट क्वेश्चन टू द पॉइंट और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आता है। और पार्ट सी में एनालिटिकल क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन आता है। पार्ट ए और बी का हर क्वेश्चन का मार्क्स 2 है, पार्ट सी का क्वेश्चन का मार्क्स 4 होता है, और गलतियां करने पर आपके 25% मार्क्स डिडक्ट होगा। तो ए और बी में जो होगा 0.5 हाफ मार्क्स पर रॉन्ग आंसर, और सी में एक नंबर पर रॉन्ग आंसर डिडक्ट होता है, नेगेटिव मार्किंग है। और ये एग्जाम होने के बाद 2 महीने के अंदर सब कुछ रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर हो जाता है, और सही से अगर एग्जाम कंडक्ट किया गया और जनरली देखा जाता है तो साल में पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट से 3,000-3,500 लोगों को जीआरएफ की जो फंडिंग है वो दिया जाता है, ठीक है। तो अभी के लिए ये सारे चीज़ें सीएसआर नेट के बारे में, तो होपफुली आपको पता चला कि सीएसआर नेट क्या है, सीएसआर नेट किस किस को देना चाहिए, ये बात कर लेते हैं। सीएसआर नेट तब भी आप एलिजिबल बनोगे जब आप ग्रेजुएशन की थर्ड ईयर फाइनल ईयर पे हो, या फिर आप मास्टर्स कर रहे हो, मास्टर्स कर चुके हो, ये सारे केसेस में आप एलिजिबल हो। मास्टर अगर कर चुके हो तो वहां पे मिनिमम आपको आपके मास्टर्स में 55% से ज्यादा चाहिए एज ए जनरल कैटेगरी स्टूडेंट एलिजिबल होने के लिए इस एग्जाम के लिए। ठीक है, ये एग्जाम का एलिजिबिलिटी है, 55% चाहिए, तो उससे कम होगा तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, एज लिमिट। एज लिमिट होता है 28 साल जनरल कैटेगरी की मेल के लिए, और फीमेल्स के लिए वो 33 साल होता है। एससी एसटी के भी 33 होता है एलिजिबिलिटी। और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैटर करता है जेआरएफ के लिए, जो 28 साल जनरल कैटेगरी मेल, 33 जनरल कैटेगरी फीमेल, 33 एससी एसटी कैटेगरी। और उसके बाद अगर देखें तो आप उसके बाद अप्लाई नहीं कर सकते, मगर एलएस के लिए वैलिडिटी लाइफ टाइम होता है। तो एक बार अगर आप जीआरएफ क्वालिफाई कर जाओ, कितने साल के अंदर आप उसको अप्लाई करके पीएचडी स्टार्ट करना है आपको, 2 साल के अंदर। एक जीआरएफ एवआरडी की वैलिडेशन होता है 2 साल, एलएस की वैलिडेशन लाइफ टाइम। तो एक बार आपको एलएस लेक्चरशिप मिल जाए तो आप लाइफ लॉन्ग कहीं पे भी उसको यूटिलाइज करके अप्लाई कर सकते हो एज ए लेक्चरर। तो बहुत सारे छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे शेयर किए आपके लिए, फिर भी अलग अलग वीडियो में अलग अलग क्वेश्चंस जो आप डालते हैं बारे में वीडियो है, पूरा सीरीज को फॉलो करें, सीएसआर नेट के बारे में सारे जानकारी आपको मिल जाएंगे। और हम शोमुस बायोलॉजी में सीएसआर नेट लाइफ साइंस के प्रिपरेशन करवाते हैं, अगर आप करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है और वीडियो में भी अवेलेबल है। थैंक यू, बाय।